नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं अमर शाह आप सभी के साथ फिर से जुड़ा हूं और अभी मैं और कुछ नए मुद्दों को लेकर जुड़ा हूं। दर्शकों, आप सभी जानते हैं लगातार सफाई कर्मियों को लेकर सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों में लगातार मुहिम और अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में सफाई कर्मचारी बीते कुछ सप्ताह से अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अपने अधिकारों के लिए एक्टिव हुए हैं और अपने अधिकारों को लेकर वो लगातार कुछ ना कुछ अभियान चला रहे हैं। ऐसे में वो कई तरह के रैली और डेपुटेशन के माध्यम से अपने अधिकारों को उच्च स्तरीय अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं और वहां से वो चाहते हैं कि उनकी जो भी इस बीच जो भी दिक्कतें रही है और जो अधिकारों से वो वंचित रह गए हैं, उन सभी अधिकारों के लिए किस तरीके से वो लड़े, अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार, अपने पूरे समाज और अपने पूरे कार्यकर्मी लोगों के लिए लगातार कुछ ना कुछ करने की पूरी प्रयास वो कर रहे हैं। ऐसे में लगातार अगर हम बात करें कुछ दिनों की, तो कुछ दिन पहले आपने देखा कि सिलीगुड़ी में किस तरीके से सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल किया था और उनकी कई मांगों को पूरी करते हुए इस अभियान के तहत उनकी जो स्ट्राइक थी उसे बंद किया गया। ऐसे में और भी कई सारे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर लगातार जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि बागडोगरा से सिलीगुड़ी में हो रही महा सफाई कर्मचारियों के लिए जो रैली है, महारैली है, उसके लिए अलग अलग क्षेत्रों से सिलीगुड़ी में एकजुट हो रहे हैं सफाई कर्मी। और ऐसे में बागडोगरा क्षेत्र से कितने लोग सिलीगुड़ी पहुंचेंगे, इसकी हम विवरण हम यहां पर देंगे। हमारे साथ यहां बागडोगरा से जुड़े हैं दिलीप मलिक जी। और दिलीप मलिक जी हमारे साथ जुड़े, आप अक्सर आप बागडोगरा और आसपास के क्षेत्रों में हमेशा देखते पाते हैं कि दिलीप मलिक जी सफाई कर्मचारियों के लिए काफ़ी एक्टिव रहते हैं और कई तरह की समस्याओं को लेकर वो लगातार कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं। ऐसे में हम दिलीप मलिक जी से हम बात करेंगे और जानते हैं कि किस विषय को लेकर ये रैली होने वाली है और क्या कुछ वो करने जा रहे हैं। दिलीप जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या कुछ समस्याएं लगातार हो रही है और अक्सर देखा जा रहा है कि समस्याएं जो आप लोगों की ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन समस्या को लेकर लगातार जो लड़ाई है वो लंबी लड़ाई वो जारी है। आज महारैली है, क्या कुछ होने जा रहा है सिलीगुड़ी में और बागडोगरा से कितने लोग वहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम दिलीप कुमार मलिक है। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस 7262 का स्टेट सेक्रेटरी हूँ पश्चिम बंगाल का। आज हम लोग सिलीगुड़ी में बागा जतीन पार्क में जमायत हो रहे हैं। हम लोग ये जो महारैली है, ये हम तीन संगठन मिलके एक साथ हम लोग कर रहे हैं, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस 7262 और महर्षि वाल्मीकि सेवा संघ और सफाई कर्मचारी आंदोलन, ये तीनों संगठन मिलकर हम लोग एक जोरदार विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और साथ ही साथ SMC में वहाँ के जो मेयर साहब हैं, मेयर साहब श्री अशोक नारायण भट्टाचार्य जी को एक डिप्यूटेशन देंगे और साथ ही साथ उसी रैली को लेकर हम लोग SDO को भी डिप्यूटेशन देंगे। अभी काफ़ी सालों से आप लोग देख रहे हैं कि हर एक समाज का उन्नति होता है, हर एक समाज के पीछे हर एक राजनीति जो पक्ष है आकर उनका उंगली पकड़ के उनको अपर लेवल की तरफ में लेके चले जाते हैं। लेकिन सदियों से आप लोग देख लीजिए, सफाई कर्मी जो समाज है वो पहले भी जिस स्तर पे था और आज भी उसी स्तर पे पड़ा हुआ है। आज देखिए, जिनके पास में सरकारी नौकरी है उनको तनख्वाह मिलता है 40 से 50 हज़ार रुपया, लेकिन उसी काम को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे करने के लिए उनको मिलता है कितना, सिर्फ और सिर्फ 6 हज़ार रुपया। आज के महंगाई के दौर में आप लोग भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस महंगाई के दौर में 6,000-7,000 में कितना परिवार अपना पेट पाल सकेगा। बस यही सब परेशानियों को लेकर हम लोग जो अपनी परेशानी है ये हम लोग SMC में देंगे, क्योंकि वहाँ जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनका जो वेजेस है, डेली वेजेस, वो कभी बढ़ता ही नहीं है। पिछले 10-15-20 साल से 40 साल से काम किए जा रहे हैं, 3,000 से 5,000, 5,000 से 6,000, इसमें आप लोग बताइए ऐसे महंगाई में 6,000 में किसका घर चलता है? अब वो 6,000 में राशन पानी का जुगाड़ करें, ना अपने बच्चों को पढ़ाए, ना डॉक्टर का फीस दें, क्या करेंगे? ऐसे में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से आज हम लोग अपना संगठन के माध्यम से, ये तीनों संगठन के माध्यम से हम लोग बागडोगरा के तरफ से अब तक में हम लोगों ने करीब करीब 250 से 300 लोगों को बस में भेज दिया है। अभी और 150-200 लोग बाकी है, बस और एक आएगी, हम लोग बस के साथ में करीब करीब पूरे बागडोगरा से, सिर्फ बागडोगरा से हम लोगों का टारगेट है 500 से 600 लोग हम लोग जमायत में पहुंचेंगे इस डेपुटेशन। वहाँ पे जो ज्ञापन सौंपा जाएगा, उस ज्ञापन में क्या क्या उल्लेख किया हुआ है? उसमें देखिए, सफाई कर्मचारियों का जितना भी परेशानी है, उनको PF नहीं मिलता है, 1 से 5 तारीख के अंदर में सैलरी नहीं मिलता है, सैलरी मिलते मिलते 20 तारीख हो जाता है, सैलरी भी ठीक टाइम पर ढंग से नहीं मिलता है, उनका सैलरी का बढ़ोतरी नहीं होता है, तो ये सब चीज़ को लेके, और साथ ही साथ सबसे बड़ा और अहम मुद्दा यह है कि हमारे ही भीड़ को, सफाई कर्मी SC ST OBC समाज में जितने भी आते हैं, हमारे भीड़ को लेकर सभी राजनेता राजनीति तो कर लेते हैं, हमारे भीड़ को लेकर वो लोग तो अपना गद्दी तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए आज तक कभी सोचते नहीं है, हमारे बारे में कभी इन लोगों ने कोई
सटीक कोई अगर कदम उठाया हो तो आज तक हम लोगों के नज़र में ऐसा नहीं आया है। हमारा मेन मुद्दा है कि हम लोग बागडोगरा निवासी जितने भी हैं नक्सलबाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत और माटीगरा ब्लॉक के अंतर्गत, ज़्यादातर सफाईकर्मी SC ST OBC समाज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड में निवास करते हैं। सदियों से 7 पुश्त हमारा बीत गया है, 60-70 साल से हम लोग क्या है रेलवे के ज़मीन पर और डिफेंस MES के ज़मीन पर हम लोग निवास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को इसका मालिकाना हक नहीं मिलता है, पट्टा अभी तक नहीं मिला हुआ है। अब जब तक पट्टा नहीं मिलता है तो हम लोग अपने लिए या अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए एक सपनों का घर तक नहीं बना सकते। जब पट्टा नहीं मिलेगा, अपना मालिकाना हक नहीं रहेगा, तो हम लोग अपने बच्चों के लिए घर कैसे बनाएंगे? क्या हमारा भी तो शौक है हमारे बच्चे पले बढ़े और कम से कम एक ईंट का और सीमेंट का घर में कम से कम आराम से ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। ये जो सपना है हम लोगों का, अब हम लोग इस रैली के माध्यम से, हम लोग समझते हैं कि इस रैली के माध्यम से प्रशासन जागेगी और ये हम लोग पूरा करेंगे। इससे पहले भी कई तरह की रैलियाँ हुई, बहुत सारे डेपुटेशन आप देते हैं बागडोगरा हो या सिलीगुड़ी, अलग अलग जगह पर अलग क्षेत्रों में, लेकिन समस्या जस की तस रह रही है, कुछ सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो क्या लगता है आपको, लगा अभी वर्तमान समय कमिंग डेज में जो इलेक्शन आ रही है उसको लेकर आप लोग इस चीज़ को गर्म कर रहे हैं? नहीं देखिए, इलेक्शन अपनी जगह पे है, इलेक्शन से तो हर 5 साल बाद आते रहता है, प्रेशर क्रिएट करने की बात यहाँ पर बस यही है कि इलेक्शन के टाइम में हम लोग इसलिए इस मुद्दा को उठाए हैं ताकि सरकार भी इस चीज को समझे कि हमारे ऊपर में कितना अत्याचार हुआ है और अभी भी हम लोगों के ऊपर में कितना अत्याचार हो रहा है। बस इस चीज को लेकर हम लोगों को सरकार की जो बंद आंखें हैं उसको खोलना चाहते हैं ताकि वो हमारे ऊपर में भी ध्यान दे और हम लोगों के बारे में भी सोचे। लेकिन लगातार जिस तरीके से अगर हम एक सप्ताह की बात करें तो काफी ज्यादा सफाई कर्मियां एक्टिव हुए हैं अपने अधिकारों के लिए और जिस तरह से उन्हें यूट्यूब में एक तरह से बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि जिस तरह से पीछे कुछ दिन पहले जो हड़ताल हुई थी इसके पीछे कुछ अलग लोगों की मंशा है, राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक माइंड है, ऐसा बताया जा रहा है, तो ऐसे में क्या एक तरह से वोट बैंक की राजनीति भी हो सकती है क्या? नहीं, इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये जो 3-4 दिन जो कंटिन्यू जो स्ट्राइक चला है ये कहीं ना कहीं कुछ एक गलत लोगों के हाथ में पड़कर हमारे सफाईकर्मी समाज आज बदनाम हुए हैं। ये सफाई का जो काम बंद हुआ है इसका हम विरोध करते हैं, लेकिन उनका जो डिमांड है वो बिल्कुल 100% उनका डिमांड सही है, उसी डिमांड को हम लोग आंदोलन के माध्यम से पूरा करेंगे। क्योंकि देखिए, आज अगर सफाई का काम बंद कर देते हैं, हमारे साथ साथ आम जनता है उनको भी तो परेशानी होगी। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे सफाईकर्मी समाज के वजह से किसी भी जनता को कोई भी परेशानी हो, जनता को परेशान करके हम कभी खुश होना नहीं चाहते हैं, पहले कभी हुए नहीं थे, आगे भी कभी नहीं होंगे। जनता को साथ में रखकर वहां पर एक चीज देखा गया कि जब पहली बार जब फर्स्ट डे स्ट्राइक हुआ, जो कचरे आप लोग हमेशा साफ करके अच्छी जगह पे पहुंचाते, आप एक अच्छे समाज के जागरूक एक सदस्य है या एक हिस्सा है, अंग है, लेकिन देखा गया कि आप लोग कचरा खुद गंदा कर रहे थे रोड पर, उस पर क्या बोलेंगे आप? हाँ, बता रहे हैं, देखिए हम अभी थोड़ी देर पहले क्या बताएं, जो अभी जो सफाईकर्मी का जो वहाँ पर स्ट्राइक चल रहा था वो कहीं ना कहीं गलत हाथों के नेतृत्व के वजह से चल रहा था और उन लोगों ने हमारे देखिए हमारा सफाईकर्मी समाज जो है ना बहुत भोला है, अभी भी उनको उतना दीन दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है, 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए सारा दिन घर से बाहर रहते हैं ना, तो उनको मतलब बहकावे में उनको बहला के फुसला के कि ये तुम लोगों को हम लोग स्थायी कर देंगे, परमानेंट करा देंगे, ऐसा भूल चीज बताकर उन लोगों को भीड़ में खड़ा करके और अपना राजनीति रोटी कुछ एक लोग सेका है। पहले SDO वहाँ पे SMC को बदनाम करने का साजिश था, वहाँ पे मेयर साहब को लेटर दिया, मेयर साहब ने आश्वासन दिया, उनके आश्वासन के बगैर इन लोगों ने गलत तरीके से इस स्ट्राइक को अंजाम दिया है, जो कि कहीं ना कहीं इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और कुछ एक लोग गिने चुने लोग हैं जो SMC को बदनाम करके किसी और पार्टी का पक्ष को ऊपर रख के और वो लोग अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं और कुछ नहीं। तो फिलहाल के आज रैली और जो महारैली आप लोग की ओर से क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? हम लोग इस बार उम्मीद लगा रहे हैं, अब हमारा समाज जग चुका है, अब हमारा समाज जो जगा है इसे हम सोने नहीं देंगे। अभी जो लोग सोए हुए हैं वो हमारी भीड़ को देखकर, हमारा जो कार्यकलाप है इन सबको देखकर वो भी हमारे साथ आएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आज से जो हमारा महारैली जो शुरू हो रहा है, इससे पहले हमारा अलग अलग संगठन के तरह जो कार्य हो रहा था सब कुछ टूटा हुआ था, अब हमारा पूरा का पूरा संगठन एकजुट हो गया और एकजुट होकर हम लोग लड़ाई करेंगे, आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा कि सफाई कर्मी किस तरह से एक्टिव हो रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए सिलीगुड़ी में एकजुट होकर एक डेपुटेशन जो वहाँ पे जमा करेंगे और उसके बाद आगे क्या होगा, क्योंकि अक्सर इस तरह की डेपुटेशन लगातार होती रहती है लेकिन कोई खास निर्णय आता नहीं है, लेकिन अब क्या कुछ होगा देखेंगे कमिंग डेज में। फिलहाल आप देख रहे थे खबर आजकल, मैं अमर शाह खबर आजकल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू। क्या आप घर बैठे ही अपनी आवश्यक चीजों को पाना चाहते हैं?
चिंता ना करें, क्योंकि ऑल इन 24 आपको दे रहा है कम रेट पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे पाए ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स और एसेंशियल्स। आकर्षित ऑफर्स के लिए अभी आप डाउनलोड करें और जल्दी ऑर्डर।